ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से देश में तेल की किल्लत होने लगी है। वहीं पेट्रोल डीजल के लिए जरूरी कच्चे तेल को खरीदने में सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 12 से 13 रुपए तो वहीं डीजल पर 23 से 25 रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में पेट्रोल पंप के तेल की आपूर्ति न होने से सूखने लगे हैं। लोगों में ये खबर फैलने के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग पैनिक खरीदारी कर रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल की बिक्री पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन रूल लागू कर दिया है। सरकार का प्रयास स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए नए सिस्टम के तहत सभी सरकारी व निजी कंपनियों को सरकार के नियमों को मानना होगा। पेट्रोल पंप पर रिटेलर्स को अब सरकार के तय समय पर ही पेट्रोल पंप खोलने और बंद करने की इजाज़त मिलेगी। यही नहीं, पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई के लिए पर्याप्त स्टॉक भी खरीदना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।